हमें जो मिलना था मिल गया, हमें राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर मिल गया, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए, नहीं खाना है, नहीं खाना है, राम को हराए बस, बस राम मंदिर पूजा करके जी, पूजा करके जी जाएंगे। क्या नहीं हो रहा है, सब आदमी जी नहीं रहा है, कौन भीख मांग रहा है, आज बढ़ रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। महंगाई देखना है तो जाके देखिए, जहाँ 800 रुपए किलो आटा बिक रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा का 50 लाख लड़का फार्म भर के परेशान है और ये भाजपा के गुण गा होता है ना। स्मृति कहाँ, यहाँ खत्म है, वो एकदम बेकार। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेठी में सियासत जोरदार हो रही है, किशोरीलाल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किसको टक्कर दे पाता है। माहौल समझने के लिए इस वक्त मैं अमेठी में मौजूद हूँ, बात करेंगे जनता से। कैसे हैं चाचा? चुनाव चल रहा है। हाँ, चुनाव तो चल रहा है, लेकिन जनता के बीच क्या चल रहा है? अब जनता के बीच दोनों चल रहा है, कांग्रेस भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है। कौन किसको मात देगा अब ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। चुनाव के बाद पता चलेगा। हाँ, कौन किसको मात दे रहा है। माहौल किस तरफ है, किस तरफ रुख है अभी? किसी का माहौल कुछ जाहिर नहीं दे रहा, कुछ बराबर कोई बता नहीं रहा कि कौन किसको वोट देगा। अच्छा, हाँ, पता ही नहीं है अभी, क्या पता है। सबके सबके मन के अंदर है, मन के अंदर है, बाहर क्यों नहीं आया? बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा, देख रहे हो पूरा शांत पड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। क्यों भाई साहब, क्या चल रहा है अमेठी में? हाँ, दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है। किसका ज्यादा किसका कम? कुछ ये कुछ नहीं कब, इस बार अमेठी कुछ कह नहीं पाएगी इसके बारे में। कह रहे हैं केएल शर्मा जी अभी नए हैं तो थोड़ा सा चैलेंज है उनके लिए, चुनौती है। 40 साल से हैं, 40 साल से हैं, और क्या, नए नहीं है, नए कहाँ है। अच्छा, तो स्मृति ईरानी को मात दे पाएंगे? अब ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा, 1.5 लाख पार जा रही हो तो। कौन, स्मृति जी? ना, स्मृति कहाँ, यहाँ खत्म है, वो एकदम बेकार, कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका यहाँ से। बात कर रही है? अरे एकदम सच कह रहा हूँ मैडम, या और क्या, यहाँ अगर राहुल जी आते तो 2.5 लाख पार थे, लेकिन उनके आने के वजह से तो सब गड़बड़ हो गया, 1 ही लाख पे रह जाएंगे, 1.5 लाख। राहुल गांधी ने तो भेजा है उनको। अरे तो राहुल गांधी ने भेजा है, लेकिन सत्ता में आए या ना आए, लेकिन ये दोनों सीट से गड़बड़ है। वजह क्या है जो 5 साल में ही जनता उब चुकी है स्मृति ईरानी के काम का? स्मृति ईरानी दुरदुरिया मैडम, दुरदुरिया तो गाँव में लोग भी चबा रहे हैं, हर हमारे सबके गाँव में तो हर हर साल 1 हफ्ता नहीं बीच तक ही होती रहती है गाँव में, और उधर जगह जगह दुरदुरिया चबुआ के तब जाके इलेक्शन जीतेंगी। आती रहती हैं दुरदुरिया चबुआने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ नहीं चबुआ पाई। अच्छा। यहाँ हमारे राजा साहब इतने हैं ना कि यहाँ, इसलिए उनका चाहे जो चबुआ सकते हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आते तो हार कर जाते, इसी हार के डर से वो चले गए रायबरेली। चले गए वो तो बात सच है, यही गलत किया उन्होंने, लेकिन जिसको उतारा किशोरी लाल जी को, तो कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी, इसलिए प्रियंका गांधी यहाँ सपोर्टर हो गई ना, प्रियंका लड़के उनका वो समर्थन कर रहे हैं। की बात है, क्या नाम है? हिमांशु पांडे। पांडे जी, जी बदलाव कर रहे हैं इस बार, कुछ बदलाव होना ही चाहिए, चमत्कार हो गया फिर। बिल्कुल हो गया, इसमें कौन सा दो राय है। क्यों भाई साहब जी, क्या मुद्दे है इस बार अमेठी? इस समय मुद्दे यही है मैम कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 10 साल जो है कार्यकाल देखा है, और इसमें जितने भी युवा हैं और एक भी किसान, सब परेशान हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात ले लिया जाए तो 2019 से जो है एक किसान परेशान है, युवा परेशान है, इनके एक मंत्री जी हैं संदीप सिंह, उनका हमेशा अनुपात समानुपात बराबर ही रहता है, शिक्षक भर्ती पर कोई बात ही ना कीजिए, रोजगार पर कोई बात ना कीजिए। अभी जो युवा हैं, जो किसान हैं, अब किसान का बच्चा ये बताइए कि 2.5 लाख 5 लाख रुपए लगा के कोई भी डिप्लोमा कर ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर ले रहा है, कोई बीएड बीटीसी कर ले रहा है, अब बताइए रोजगार उसको मिल नहीं रहा है। एक बात है, यदि भारतीय जनता पार्टी यदि धर्म के नाम पर यदि चुनाव जिस दिन लड़ना बंद कर दे, उस दिन इसको 50 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। रोजगार पर ये बात करते नहीं है। जो बाढ़ है या अमेठी में क्यों नहीं चल रहा है फिर?
देखिए इस समय कहीं पर भी जो है धर्म का कोई मुद्दा है ही नहीं है। अभी कभी जिस समय राम मंदिर बन रहा था लोग कह रहे थे कि अब की भाजपा आएगी। देखिए आप खुद ही रिपोर्टर कर रही हैं, आपको कहीं राम मंदिर का मुद्दा दिखाई दिया? नहीं दे रहा है। उसका कारण है कि युवा इतना परेशान हो गया है। यदि आप लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं, युवा को क्या करते हैं, लाठी मार के भगा देते हैं। अब बताइए किसान का बच्चा वहाँ जा रहा है, कोई मंत्री विधायक का बच्चा आज तक आपने धरने पर बैठे हुए देखा है? कतई नहीं देखेंगे आप। कारण यही है, अमेठी को चैलेंज करना मुश्किल है। 5 साल में अमेठी ने दिखा दिया, पूरा औकात दिखा दिया। प्रधानमंत्री बनाती है, यहीं से प्रधानमंत्री बने हैं। अमेठी बहुत समझदार है, काम यहाँ देखती है बस। अच्छा तो भैया ये सनातन का वार्ड करके शीशा बंद कर कर चली जाती हैं, जैसे लगा 5 साल जब इलेक्शन आ गया तब गेट खुल रहा है। तो मकान बना लिया है इतना आलीशान आप लोगों के लिए कि आप जाएंगे उनके दरवाजे? मैं उनके दरवाजे जब मकान नहीं बनवाई थी, वो किराए पे थी जहाँ थी, मैं उनका फुल समर्थन था। मैं पूरा उनका प्रचार भी किया हूँ, आज उनका विरोध में खड़ा हुई हूँ। क्या वजह है? वजह यही है कि वो जब मौका था उनको, जब उनके जो उनके कार्यालय पे रहता था मैं हर चीज देखता था, लेकिन जितने भी बच्चे उनसे जुड़े हुए थे वो मतलब जिस दिन से इलेक्शन हो गया जैसे वो आदमी पहचानते ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन के बाद से नहीं पहचानना ही बंद कर दिया। अच्छा हाँ, और जितनी बार गुजरी हुई है अमेठी से शीशा कभी उनका ओपन नहीं हुआ कि खुला। भाई साहब आ गए हैं जय श्री राम का लगा। अमेठी में वही जो राम को लाए हैं उनको ला रहे हैं। अच्छा, एकदम जो राम को लाए हैं अमेठी को लाएगा? लाएगा, निश्चित लाएगा। किशोरी लाल जी का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, जीरो जीरो जीरो। अब ऐसा भी ना कहें, यहाँ पर कितने लोग मानते हैं कि जीरो हैं? मैं तो कतई नहीं मानता मैडम, जहाँ कोर्ट वहाँ वोट। आप नहीं मानते कि किशोरी लाल जी हैं? आप मानते हैं? नहीं, किशोरी लाल जी अच्छे जो है क्या नाम है चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जितने लोग कह रहे हैं ये सबसे ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से केएल शर्मा को ही सपोर्ट करेंगे, कुछ भावनाएं दूसरी हैं। ये भी बात है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, ऐसा है। और किशोरी लाल शर्मा बहुत बिठा दिया है क्या किसी ने? ना ना, सही भाई, एकदम राइट कह रहे हैं एकदम मैडम। ऐसा है कि उनका जो प्रचारक है वही कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और बताइए उनके जो प्रचार कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि कांग्रेस हाँ चलते चलते ऐसे कर भी तो थे बता रहे हैं प्रचारक है? आप भी थे प्रचारक? अगली बार थे, अब की बार नहीं हूँ। पांडे जी बाहर हो गए एकदम खुलेआम, वो चलते चलते सब ऐसे दिखा देते हैं, मतलब पंजा हो गया। मतलब जो उनके प्रचार स्मृति रानी के जो प्रचारक हैं प्रचार कर रहे हैं बराबर, और चलते वक्त ऐसे दिखा दे रहे हैं कि मतलब मोहर लगाना पंजे पे है, बाकी मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, जो स्मृति जी का हुक्म है वो कर रहा हूँ। अच्छा, और बाकी लगाना ऐसे ऐसे कर दिए तो क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है इसका? पंजे तो ऐसे ऐसे कर दिए तो पंजा मतलब पंजे पे वोट दे देना, काम खत्म। इशारों में बात, इशारों में बात हो रही है, उनके ही प्रचारक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और नहीं दिखाई लंका ढाई वाली बात हो कहो तो मैं फोटो खींच के आपको भेज भी सकता हूँ। आप ऐसे बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? किससे डर? किसी का खा रहा हूँ, स्मृति रानी का खा रहा हूँ कि कांग्रेस का खा रहा हूँ? खा, अपने किसान आदमी हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, वही बात, और पढ़ रहा हूँ, पढ़ के जो जॉब कर मिली है जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट ही सही, रोजगार की तलाश? रोजगार नहीं बोल रहे? ना ना, रोजगार हमको नहीं चाहिए किसी से, मैं आज तक भगवान से नहीं मांगा, हमको कांग्रेस और स्मृति हमको भाजपा से मतलब ही नहीं मैडम। हाँ, खुद इतना लायक है कि हम कमा लेंगे। अच्छा, सरकारी मिलना नहीं है तो प्राइवेट तो 72 है, कौन सा सरकारी और प्राइवेट में फर्क है? उसे जान लेते हैं, ये बता रहे हैं कि स्मृति रानी जी का 5 साल का काम काज कैसा रहा? हमें तो ना पसंद था। नहीं पसंद आया? ना, कोटे वगैरह बनवा दी तो उन्होंने बनवा दिया? हाँ। तो पहले से पास था? हाँ, उन्होंने घर भी बनवा लिया, सोचा कि जनता आएगी हमारे घर पे, सुनवाई होगी। तो कहाँ बैठती है वो? हाँ। बात फिर तो इसी उम्मीद से घर वगैरह बनवा लिया है ना कि अभी रहना है और 5 साल? हमें ना पसंद है बस। हाँ। हम कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस वोट करेंगे। कौन
कांग्रेस के एल शर्मा जी बोल रहे हैं नए हैं, मात दे पाएंगे नहीं, हमको कांग्रेस पार्टी से मतलब है, उसको वोट हमें करना हो, नए पुराने से कोई नहीं। अच्छा, कोई मतलब नहीं, चाहे राहुल गांधी थे या ये हैं। राहुल गांधी थे तो उनको भी वोट करते थे शुरू से। उत्तर प्रदेश में 2019 से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अभी अभी आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लीजिए, 2022 से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं, अभी उनका पेपर नहीं हुआ है। 2021 की जूनियर एडेड वैकेंसी है, वो भी ऐसे पड़ी हुई फंसी हुई है। अभी जो है पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। जो है आरओ का पेपर 11 तारीख को देके आए थे, उसके दूसरे दिन पता चला कि भैया पेपर लीक है। अब बताइए, अभी जब तक इनकी बिहार में सरकार नहीं थी तब तक जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है सरकार में दो पेपर, दो बीपीएससी टीआरई उन्होंने करवाया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे ही इनकी सरकार वहां पर बनी, उसके बाद पेपर यहां से उत्तर प्रदेश से कम लाखों बच्चे जो है यहां से 4,000 रुपये 5,000 रुपये किसान के बच्चे हैं वो लगा के वहां गए, और पेपर देने के बाद बच्चे आए, उसके बाद ये पता चला पेपर लीक हो गया। क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, तो हम यहाँ पर ये जानने आए हैं कि अमेठी की जनता का रुख किस तरफ है इस बार, क्या कांग्रेस खुल्ला भैया बहुत बेबाक नहीं हो गया? कौन है भैया? अमेठी इतना बेबाक हो गया, एकदम मारी बर्बाद करके रख दी। खुल्ला चैलेंज चैलेंज खुल्ला खुल्लम खुल्ला कांग्रेस कांग्रेस रोजगार पे मैम बात होगी, रोजगार पे बिल्कुल, रोजगार का तो समझ आता है, चले रोजगार के लिए परेशान है। जी जी बिल्कुल, रोजगार पर तरफा लोग, जी जी रोजगार पे, हम लोग रोजगार रोजगार पे बिल्कुल बात होगी। स्मृति ईरानी जी 5 साल से काम कर रही हैं, आपका सम्मान बढ़ा रही हैं, कैसा लगा? हमें रोजगार पर, विकास पर वोट देना है, धर्म पर और जात पर वोट नहीं देना है। अच्छा जी, हम लोग युवा को विकास चाहिए, युवा हमारे काम करें, आगे बढ़ें जी, और नौकरी करें। ये तो यही अमेठी है भाई, आप भी युवा हैं जी, क्या राय रखते हैं? यहाँ तो कुल मिला के विपक्ष यहाँ खत्म ही हो गया है। हाँ। विपक्ष का नामो निशान खत्म हो गया है, राहुल जी ने सीधा वाक ओवर दे दिया है, स्मृति ईरानी भारी मतों से जीत रही हैं। 5 लाख तो कम कहा जाए, 7 लाख के ऊपर वो जीत रही हैं। क्या वजह भाई, क्या मुद्दे हैं, किस विहार पर आधार पर बोल रहे हैं? कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, राहुल गांधी इसके पहले 10 साल सांसद रह चुके हैं यहाँ, उनका विकास काम जोड़ लीजिए और यहाँ के 5 साल का विकास काम जोड़ लीजिए तो उनसे ज्यादा बेटर काम रहेगा स्मृति ईरानी का। नहीं, तो 4 काम यहाँ पर बताइए इन लोग को जो बोल रहे हैं नहीं विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी यानी कांग्रेस ही जीतेगी। कुल मिला के सबसे पहले ये जान लीजिए कि गांधी परिवार का कोई एक पैतृक आवास यहाँ है? कार्यालय तो बना है, कार्यालय बनने ना बनने से कोई मतलब नहीं है। स्मृति ईरानी अभी आई है, उन्होंने जमीन खरीदा, यहाँ से वोटर आईडी बनवाई और यहाँ की एक जो निवासी हो गई हैं। राहुल गांधी यहाँ के निवासी हैं या सोनिया गांधी या गांधी परिवार का एक भी बच्चा छोटा सा यहाँ का निवासी है? घर पर कितनी बार गए हैं? सैकड़ों बार, अभी इन्होंने वो कराया है घर गृह प्रवेश कराया है, और यहाँ के लगभग लगभग सारी जो सम्मानित गण हैं कार्यकर्ता हैं उनको बुला के उन्होंने भोज कराया है, यथाचित जो अपना ब्राह्मणों का जो दिया दान दक्षिणा दिया, और क्या चाहिए? तो ये दान दक्षिणा फायदा क्या होगा? दान दक्षिणा भोज कराया, इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकला? कोई मतलब निकला? विकास है क्या भैया दान दक्षिणा? रुक जाइए, विकास हम लोग में मैडम हर वर्ष 2 टीना 4 टीना 1,000 आदमी का तो मात्र गौ मध्य पूजा करवाते हैं, पूजा करो और उसमें आदमी का भोज करते हैं, हम लोग भी दान दक्षिणा करते हैं इसमें वो। अगर भाई साहब ये अभी राहुल गांधी के कार्यकाल में 5 लाख रुपए सैलरी पा रहे थे और रिटायर होके जैसे ही स्मृति ईरानी आई रिटायर होके घर पे बैठा दिया गया है इनको। अच्छा, अच्छा। रिटायर हो गए क्योंकि उसके पहले ये रुक जाए युवाओं का, युवा ऐसे अपमान नहीं करते हैं, वैसे भी युवा बहुत परेशान है। क्या परेशान का मतलब? सरकार को लेकर पर बात कीजिए। एक चीज बताइए, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का ठीक ढंग से प्रयास नहीं किया। देश के युवा क्या, एक चीज बताइए, जो
जो भी कर्मचारी हैं या कोई भी वांट आ रही है उसमें आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, आप पास होंगे, सफल होंगे। वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो रहा है, इस पर सवाल क्यों नहीं करते आप? इतनी वैकेंसियां निकल रही हैं, आप एक चीज लीक हो जा रही है। मैं भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, लीक हो जा रही है। एक भी अगर वैकेंसी निकली हो तो बताओ, पाँच साल में कोई भी हुआ हो तो वैकेंसी निकलती है लेकिन पेपर होता है लीक हो जाता है, भर्ती नहीं होती। भर्ती वो राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार यथाचित वो अपना काम कर रही है। केंद्र सरकार की कौन सा आज पेमेंट बढ़ा दिया उन्होंने? आज बताइए आप, डाकखाना पे ही ले लीजिए, डाकखाना केंद्र सरकार में, बैंक क्या है? राज्य सरकार की नौकरी है जिसमें आज जो बाबू की पेमेंट है, आज जो बाबू की पेमेंट है वो राज्य सरकार के चपरासी की पेमेंट है। अब आपको भाजपा का कोई काम ही नहीं दिखा, कोई काम नहीं दिखा। दूसरी बात, अगर ले लीजिए भाजपा के लिए तो आप बताइए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार में जो भी है जो आ रहा है उनकी पेमेंट और राज्य सरकार की पेमेंट में और छुट्टी में क्या फर्क है? आप बताइए इसको सीधा, मेरी बात। दान दक्षिणा से प्रभावित है या फिर मुद्दे भी मायने रखते हैं? एक चीज है, एक चीज पहले रुक जाइए, एक मिनट पहले, एक मिनट। और इन्होंने जो बात किया कि 5 लाख दे के बैठा दिए गए हैं, कैश गिनने वाले यही थे क्या? रुक जाइए, नहीं आप कैश गिन रहे थे क्या? तो आप तो देखा है, 10-20 हजार ही दे दीजिए, मैं स्मृति को दे दूंगा ऊंट यार, पूछिए। क्वालिफिकेशन आपकी है? हाँ बिल्कुल, तो आपसे ज्यादा है, सर्वे इंजीनियर की है यार। अरे क्या बात करते हो यार, इंजीनियर है, आपके घर में जितने भी हैं कर्मचारी सारे कर्मचारी हैं आपको छोड़ के, भाई उनको नौकरी मिल गई है तो आपको क्यों नहीं मिली? अरे ये भाई साहब, मैं सर्वे डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, लेकिन हमको अगर नौकरी नहीं मिली सरकारी तो मिली थी। आपके घर में कितने सदस्य हैं नौकरी कर रहे हैं? हमारे घर में लमसम सरकारी में तो इस समय 3 लोग कर रहे हैं, हमारे पापा दादा कर रहे हैं। अरे रिटायर हो गए 2 लोग तो। आपकी तो बात नहीं है ना, आज युवा परेशान है। आज की और रुक जाइए, अभी हाल में ही हम बता रहे हैं, रुक जाइए, एक सरकार की बात नहीं है ये आप बोल रहे हैं। अरे वो सन 80 की थी, बच्चे बोल रहे हैं, वो सन 80 में भर्ती हुई थी वो। हाँ जी, अभी की बात तो नहीं, अभी भाजपा की बात हो रही है। बिल्कुल सही, सर्वे करवा रही है सरकार, जैसा उसके उसमें आएगा उसी हिसाब से। अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकार को स्टैंड चल रहा है कोरोना का, अभी तक चल रहा था, स्टैंड होने दीजिए, सरकार स्टैंड हो रही है हर तरफ से। अब एक ही मुद्दा केवल बचा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना बड़ा फंड मिला सरकार को, उसके बावजूद भी आप बोल रहे स्टैंड करने की जरूरत है। स्टैंड करने की जरूरत है, लेकिन ये तो पत्रकार गण उठाइए, आप लोग उठाइए ये मैटर। हम तो उठाते हैं, लेकिन क्या आपको समझ आता है? डिफेंस कर रहे हैं, नहीं समझ में आता है। जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना घोटाला, बेरोजगारी, रुक जाइए एक मिनट, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके हम किसी भी नौकरी नहीं, एक चीज जानिए वो हमारा ये नहीं, मेरा मैटर, रुक जाओ, पूछे ये क्यों नौकरी नहीं पाए, ये बीटीसी बीएड खुद करके दुकान कर रहे हैं, चल रहा है मेरा मैटर। हमें जो मिलना था मिल गया, हमें राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर मिल गया, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए, हमें राम मंदिर। राम मंदिर तो मिल गया, चलिए राम मंदिर बन गया। कांग्रेस के जमाने में ताला लगाया, कार से उसको लाठी चलवाई, गोली चलवाया, हमें राम मंदिर चाहिए था, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उसी को लाएंगे, बस। खाना वाना नहीं खाना है, नहीं खाना है, राम को हराए बस, बस राम मंदिर पूजा करके जी, पूजा करके जी जाएंगे, पूजा से तो बहुत कुछ है। आप जो भी 150 साल बिना भोजन के रहे, 48 घंटा भोजन ना करके दिखाए, तो मैं समझ जाओ कि सही बात पाई है। अभी तो मथुरा क्या नवे पैदा, अभी तो मथुरा बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी क्या हुआ, अभी मथुरा मंदिर यही सब चलेगा, यही चलेगा, यही का कुछ नहीं कर, सब कुछ क्या नहीं हो रहा है, सब आदमी जी नहीं रहा, कौन भीख मांग रहा है, आज बढ़ रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। उन्होंने टेंशन पे बैठ के पानी ना पिए, मैं वहाँ स्मृति रानी को वोट देने के लिए तैयार हूँ, जितने भाजपा हैं वो 48 घंटा बिना पानी पिए बैठ जाए, तो मैं हाथ बैठिए, मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री 1 हफ्ते तक नींबू पानी पी के रहता है, कितनी बात है, तो और बाकी जिसको देखना है पानी बन के पी करे सरकार काम है, उसका उत्तर दिया मैंने, केवल मैंने उसका उत्तर दिया। इसमें जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर कोई ध्यान नहीं कर रहा, कहां मैंने, जनता को सवाल नहीं कर रहा, कहां मैं, कौन दारू 1000 रुपए में लोग पी लेते हैं, लेकिन पेट्रोल मतलब जो है वो कहते हैं 100 रुपए महंगा लगता है,
गैस जो है सिलेंडर एक महीने का सिलेंडर 1000 रुपए पड़ता है, तो उसको बहुत महंगाई दिखाई दे रही है। और जो है सुनो यार, 960 में हो गया इलेक्शन 12 से 14 परिवार। एक बात बताइए, स्मृति जी ने कई सारे वादे किए गैस सिलेंडर को लेकर भी धरने पर बैठी। उन्होंने गैस सिलेंडर 13 रुपए चीनी का भी बोला था, कनेक्शन दिया, उज्ज्वला कनेक्शन दिया, फ्री में मिला है कनेक्शन। उन लोगों से पूछिए ना, इनसे पूछिए, इनसे कोई नहीं बोलेगा। फ्री में कनेक्शन मिला है उससे पूछिए ना सबको। और सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई साहब का मुद्दा है। और इस सरकार का अगर दम देखना है तो पूछिए उन 8 परिवारों से जो जिनको कतर में मौत की सजा हुई थी और वो सकुशल आज भारत में है। और पूछिए अभिनंदन के उन परिजनों से जो सरबजीत तड़प तड़प के मर गए और अभिनंदन को सकुशल लाके देना पड़ा। ये देश की सरकार चुनने का मैडम चुनाव है। यहाँ पे मैं लोगों चीनी चाय पत्ती नहीं चाहिए हम लोगों को, देखना है ना महंगाई, देखना है तो जाके देखिए जहाँ 800 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बोलो इनका भगाओ, जहाँ भाजपा का भाजपा वाले ये बहुत बोले, यहाँ कांग्रेस पूरा है। 50 लाख लड़का फार्म भर के परेशान है और ये भाजपा के गुण गा होता है। तो यहाँ अमेठी की जनता के बीच हम आकर यहाँ पर सर्वे किया, जानने की कोशिश की कि 5 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 20 मई को वोटिंग होनी है, तो फिलहाल अभी जनता के बीच क्या राय है, क्या मुद्दे मायने रखते हैं, क्या नजरिया है लोगों का और किन मुद्दों के साथ वोटिंग होगी, इन सभी की पड़ताल मैंने अमेठी के क्षेत्र से किया है। फिलहाल देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।